Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will take a deep introduction on GST. Basically, there are two types of indirect taxes, that is GST and custom law. देखिए कई बार कन्फ्यूजन बहुत होती है कि इनडायरेक्ट टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जीएसटी एंड कस्टम लॉ. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये दो पार्ट में क्यों है, कस्टम लॉ को इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा क्यों अलग अलग क्यों बोला. जैसे देखिए आपका जो सिलेबस यानी कि बुक का जो नया सब्जेक्ट का जो नेम है वो क्या है आपका, जीएसटी एंड कस्टम लॉ. ये अलग अलग बनाए हैं. लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा होता IDT एंड कस्टम लॉ, तो फिर ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि कस्टम लॉ भी इनडायरेक्ट टैक्स है और ये IDT लिखा हुआ है. इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है कि हम जब हम कोई टैक्स, अगर हम गवर्नमेंट अगर किसी टैक्स देती है तो वो क्या करती है, बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. तो कस्टम लॉ इसको अलग क्यों रख के करती है. देखिए होता क्या है कि कस्टम लॉ का समटाइम्स क्या होता है, इसका नेचर जो है वो चेंज होता है तो इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन कई बार ये डायरेक्ट टैक्स की तरह भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसा मान लीजिए अगर आपने कोई भी सामान, आप अगर आपने कोई भी गुड अगर आपने इम्पोर्ट किया हो तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी आप ही पे करोगे, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स. तो यही होता है कि कई बार क्या होता है कस्टम लॉ में इसका नेचर जो है वो डायरेक्ट टैक्स की तरह भी काम करता है. ठीक है, तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है टैक्स में, कस्टम लॉ को जो बिल्कुल अलग रखा हुआ है कि ये GST से भी अलग है और इनडायरेक्ट टैक्स से भी अलग है. चलिए देखिए हमारा सब्जेक्ट का नाम है GST एंड कस्टम लॉ. GST को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको इसकी पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन कैसे होता था, कैसे कैसे उसमें अमेंडमेंट्स आए, टैक्स रेट कैसे कैसे चेंजेस हुए, कैसे कैसे टैक्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, वो हमें देखना है. ठीक है, आइए चलिए देखते हैं. फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर टू लेवी टैक्स. देखिए आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है कि ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है टैक्स लगाने की. देखिए अनटिल एंड अनलेस जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा हो कि गवर्नमेंट ये टैक्स लगाई थी, गवर्नमेंट तो कोई भी टैक्स लगा नहीं सकता. आप कहीं भी अगर घूमने जाइए तो एंटरटेनमेंट टैक्स देंगे, या किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो एंटी टैक्स देंगे, बट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो गवर्नमेंट कैन लेवी एनी टैक्स. सो आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज़ द पावर टू लेवी टैक्स फॉर द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पास है. ठीक है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्स टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शन. कौन कौन से वो फंक्शन होते हैं, दैट इज रेवेन्यू कलेक्ट करा गवर्नमेंट ने, रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेस आर टू बी यूज्ड टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, प्लस टू रिमूव पॉवर्टी एज वेल एज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, तो देखिए ये बात बोली हुई है यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर टैक्स जो है दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और गवर्नमेंट जो है किस चीज़ में हो सकती है, टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टू रिमूव पॉवर्टी. ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा जो इंडियन टैक्स सिस्टम है वो देखिए कैसे काम करता है. देखिए टैक्स जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, और फिर ये टैक्स कौन कौन रिसीव करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सम लोकल. ये जो हम मैं टैक्स सिस्टम जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ फ्रॉम द ईयर 1959. ठीक है, देखिए अभी मैंने इसे बोला कि अगर हमें GST के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द टैक्स अमेंडमेंट्स बिफोर GST. ठीक है, कैसे कैसे टैक्स सिस्टम में कैसे कैसे चेंजेस आए. ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट टैक्स का तो देखिए तो आपने बहुत अच्छे से पता ही, आपको डायरेक्ट टैक्स आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है. लेकिन सीधे सीधे अगर मैं इसको शब्दों में बोलूँ तो डायरेक्ट टैक्स का होता है बेसिकली कि जिस पर टैक्स लगाया उसी से टैक्स ले लिया या उसी से वसूला, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, एक्स पर लगाया और एक्स से ही वसूल लिया. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, लगाया किस पे, एक्स से,
लेकिन रिसीव किससे किया, वाई से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का जो है ये सिस्टम आया क्यों है, देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, ठीक है, मान लीजिए कोई सैलरी इनकम पर्सन है, उसने जितनी सैलरी अर्न की पर एनम उसके हिसाब से उसने टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से उसने टैक्स दिया, और वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट को जाके जो पोर्टल पे जो टैक्स पे करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर एक कंसेप्ट आया क्यों है, मतलब ये ऐसे दो टैक्स सिस्टम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। देखिए इनडायरेक्ट आया इसलिए कि कई बार जो है गवर्नमेंट के वो टैक्स कलेक्ट करने में मुश्किल आ जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, अब उसके पास जो है मान लीजिए 10 कस्टमर दिन भर में ग्राहक आ गए उसके पास, ठीक है, उसने अलग टाइप के प्रोडक्ट्स से अलग अलग कस्टमर को जो है उसने सेल कर दिए। अब गवर्नमेंट जो है उन कस्टमर के पास तो जा नहीं सकती कि लाओ भाई आप जो है टैक्स दो, आपने ये चीज़ खरीदी है, आपने इसको कंज्यूम किया, आप टैक्स दो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच टू एवरी कस्टमर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसको पकड़ती है, गवर्नमेंट शॉपकीपर को, कि आप जो भी सेल करोगे सेल पे हम जो टैक्स आपसे लेंगे, चाहे उसकी कोई वैल्यू हो परसेंटेज की वजह से, तो हम आपसे सेल लेंगे। हमें कोई मतलब नहीं आप किसको सेल कर रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं आप किस प्राइस से सेल कर रहे हो, हमें बस ये मतलब है कि आप जो है कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर से, हम वो टैक्स आपसे लेंगे। तो ये कौन हो गए सारे, मान लीजिए वाई पर्सन हो गए, ठीक है, और ये कौन हो गया एक्स पर्सन, तो वही हो गया लगाया किस पे, वाई पे, और वसूला किससे, एक्स से, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे टोटल वैसे देखिए जो वर्ल्ड वाइड हमारे दो टाइप के जो है टैक्स सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज़ यूनियन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ फेडरल सिस्टम। हमारे देश में देखिए कौन सा टैक्स होता है, फेडरल सिस्टम, दैट इज एवरी टैक्स विद टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। बट यूनियन टैक्स क्या होता है, जैसे देखिए यूके, फ्रांस, यूएस, इन सब में जगह जगह होता है एक ही टैक्स होता है, क्यों, और वहाँ पर जगह देखो आप अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो है फ्रांस में सबसे पहले जो GST आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है सेंट्रल स्टेट के बीच में टैक्स बढ़ता ही नहीं था, तो वहाँ पर जो है इतनी कभी कोई दिक्कत नहीं आई टैक्स कलेक्ट करने में, तो जहाँ पर GST जल्दी आ गया। सेम फॉर यूके, यूएस में देखिए टैक्स सिस्टम इतना बढ़िया है कि वहाँ पर तो GST की नीड भी नहीं है, मुझे लगता है शायद आने में फ्यूचर वहाँ पर कभी GST आए, बट क्योंकि वहाँ पर जो अलग अलग काउंटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट के, उनके अपने अपने प्रोविजन के अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है GST आने की कोई दिक्कत नहीं है, कि वहाँ पर टैक्स कलेक्ट प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, फर्स्ट वन इज़ यूनियन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ फेडरल सिस्टम, एंड इन आर कंट्री वी फॉलो फेडरल सिस्टम, दैट इज द टैक्स रेट डिवाइड इनटू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है कौन कौन से टैक्स आते हैं। देखिए कौन कौन से आते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स विच इज़ ऑन सेल ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी दैट इज ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यानी कोई भी अगर गुड देश में कहीं पर भी जो है अगर मैन्युफैक्चर हुआ तो उस पर क्या टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। दीज ऑल टैक्सेज आर टू बी कलेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कम टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखिए के पास जो है दो टैक्स होते हैं, फर्स्ट वन इज वैट दैट इज सेल्स टैक्स, एंड सेकेंड वन इज एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज टैक्स देखिए ध्यान सुनिए, ये है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये है एक्साइज, ये भी मैन्युफैक्चर पे है, ये भी मैन्युफैक्चर पे है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है यहाँ पर, कि अगर हमारे स्टेट में अगर अल्कोहल सेल हुई या कोई मेडिसिन जैसे जो बहुत ज़्यादा लाइक जो नशीली जो दवाई होती हैं, तो उन पे जो एक्साइज जो लगेगा वो कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और अगर विद इन द स्टेट कोई भी सेल होगी तो उस पर कौन सेल कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, अच्छा मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंट्रल सेल्स टैक्स, देखिए सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है बेसिकली, कि जब भी सेल होगी इंटर स्टेट, वन एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई सेल होगी तो उस पर टैक्स कलेक्ट कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर विद इन द स्टेट अगर कोई भी सेल ट्रांजेक्शन हो रही है, दोज टैक्सेस आर टू बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे जो टैक्स कलेक्ट हुआ, कैसे कैसे उसमें अमेंडमेंट्स आए।
यहाँ पर बात हो रही है प्रायर 1986 से पहले पहले जो टैक्स कलेक्शन कैसे होता था। पहले हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। देखिए ध्यान से, देखिए ए पर्सन है, ए पर्सन ने बी को 100 रुपीज़ प्लस टैक्स है 10%, उसको सेल ऑफ करा एट ₹110। बी कौन है? प्रोड्यूसर। बी ने सी को, उस बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? 110। उसने वैल्यू एडिशन करा 4 रुपीज़, 50 रुपीज़ प्लस 10% टैक्स के हिसाब से उसने जो है इतने रुपए में उसको सेल ऑफर दिया। किसको? सी को। सी कौन है? रिटेलर। अब सी ने मान लीजिए डी को सेल कर दिया, मान लीजिए डी कौन है? कस्टमर है। अब सी के लिए देखिए कॉस्ट क्या होगी? 165। उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन नेट करा ऑफ ₹50, 10% उसने सेल्स टैक्स दिया रिसीव करा, यानी कस्टमर्स ने एडिन कितना पे करा? 236.5। ठीक है, सो ये होता था सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन। अब देखिए इसमें क्या क्या लूप होल्स होते थे, क्या क्या दिक्कत होती थी, देखिए ध्यान से। देखिए आपने नोटिस किया होगा ये 110 की जो कॉस्ट थी बी के लिए, इसमें टैक्स इंक्लूड था। फिर उसके बाद ये 165 हुआ, उस पर ये 10%, ये भी टैक्स था, ये भी इंक्लूड था। तो इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, और इसका दूसरा नाम है कास्केडिंग इफेक्ट। सो गवर्नमेंट को ये कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव करना था, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, कस्टमर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब जरा ध्यान से देखिए टोटल टैक्स कलेक्शन कितना हुआ। देखिए इस पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? ₹10। इस पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? 15, दैट इज ₹15। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? 21.5। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 46.5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए ₹15 कैसा आया, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए जो बी था कस्टमर, उसने ₹50 टैक्स अपना वो लगाया, एंड ₹10 यानी टोटल कितना लगाया? 165। ठीक है, तो बी कितना टैक्स लगाएगा? देखिए 110 प्लस 50 कितना हो गया? 160। ठीक है, इस पे देखिए टैक्स कितना हो गया? ₹16। सॉरी ये 16 आएगा, सॉरी 16, तो कितना आ गया? 47.5। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? ₹10। सेकेंड पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? ₹16। एंड थर्ड पॉइंट पे कितना हुआ? 21.5। टोटल टैक्स कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट दैट इज 47.5। अब देखिए इस कास्केडिंग को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कंसेप्ट लिखा है, विच इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन टैक्स। देखिए वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स विल बी लेवी ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी गुड में अगर टैक्स इंक्लूड होगा, तो उसको हटाकर उसमें जितने भी गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होगी सिर्फ उसी पर टैक्स लगेगा, बाकी किसी पर नहीं लगेगा। देखिए वैल्यू एडिशन टैक्स का होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स होगा। देखिए मैं वही सेम एग्जांपल लूँगा। देखिए ए ने बी को सेल ऑफ किया 100 रुपीज़ प्लस 10% टैक्स, कितने में सेल ऑफ किया? 110। अब जब बी सी को सेल करेगा तो बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? ओनली 100 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग द टैक्स, बिकॉज यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? वैल्यू एडिशन टैक्स। टैक्स किस पे होगा? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे होगा। तो बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? 100 रुपीज़। ठीक है, उसने वैल्यूएशन कितना किया? 40। और फिर उसने सी से कितना टैक्स कलेक्ट किया? 14। 140 प्लस 14 दैट इज ₹14 का टैक्स हो गया। तो कितने पैसे लगे उसने? 154। अब देखिए सी जो है डी को कस्टमर को बेच रहा है, तो सी के लिए कॉस्ट क्या होगी? 100 प्लस 40, ये 100, वैल्यूएशन कितना हुआ? 40। तो टोटल कॉस्ट फॉर सी विल बी 140। अब उसने जो 50 रुपीज़ एज प्रॉफिट उसने ऐड किया, टोटल कितना हो गया? 190। इस पर टैक्स 10% कितना होगा? 19। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 209। अब आप देख सकते हो, देखो कितना बिग डिफरेंस है। पहले जब कस्टमर कितना पे कर रहा था? 236, अब कितना पे कर रहा है? ओनली 209।
तो देखिए कस्टमर का बर्डन कम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ध्यान ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, ₹10। सेकेंड पॉइंट पे देखिए क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू एडिशन का एक और प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, देखिए ध्यान से, जब बी ने सी को सेल ऑफ करा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी ने टोटल टैक्स कितना कलेक्ट किया सी से, ₹14। अब वो जाके गवर्नमेंट को पे करेगा ये टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ने वैल्यू एडिशन टैक्स में एक और प्रोविज़न ऐड कर दिया कि अगर आपने प्रीवियस कोई भी अगर आपने टैक्स पे किया है तो आप दोबारा वो टैक्स नहीं पे करोगे। मतलब क्या हुआ इसका, बी को तो ये टैक्स पे करना है क्योंकि इसने जो सी से कलेक्ट किया ₹14, ठीक है, तो वो उसने ऑलरेडी ए को जो है ₹10 टैक्स पे कर दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेट अमाउंट पे करेगा, दैट इज ₹4। तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स किया, 4। नेक्स्ट पॉइंट भी देखिए, जब सी ने डी को सेल ऑफ करा, ठीक है, तो सी ने डी से कितना टैक्स रिसीव करा, 19, बट गवर्नमेंट को वो सिर्फ नेट अमाउंट पे करेगा, दैट इज 19 माइनस 14, तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स किया, ओनली ₹5। सो दैट मीन्स टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ₹19। पहले देखिए कितना था, 47.5, नाउ इज ओनली 19। अब आप सोचेंगे सर इससे तो गवर्नमेंट को लॉस हो गया। जी नहीं, देखिए हमेशा एक रिकॉर्ड रहा है, इतिहास भी गवाह है कि जब जब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रिड्यूस करा है, टैक्स अमाउंट या रेट जो है रिड्यूस किया है, तब तब हमारे देश में जो इसकी प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट की जीडीपी को ग्रोथ रेट हो गया, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे गवर्नमेंट को लॉस होगा, ये उससे उल्टा प्रॉफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपना अपना सिर्फ टैक्स कलेक्शन जो है वो कम कम किया है, लेकिन इससे रेवेन्यू जनरेट बहुत ज़्यादा होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू एडिशन में दो कंसेप्ट आए, फर्स्ट वन इज कास्केडिंग रिमूव हो गया, ठीक है, आप देख सकते हर पॉइंट से में देखिए कास्केडिंग नहीं है, क्योंकि टैक्स किस पर अप्लाई कर रहा है, ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हो गया टू रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज गवर्नमेंट ने एक नया प्रिंसिपल ऐड कर दिया, दैट इज द सेलर विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो प्रिंसिपल आपने पढ़ लिए। अब देखिए इसमें अभी भी वैट में ये पूरी तरह कंसेप्ट जो है मतलब सही साबित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी सारे लूपहोल्स इसमें अभी भी थे, क्योंकि जैसे जैसे टैक्स का नेचर चेंज होता था, तब तक कोई नया टैक्स आ जाता था, तो उसमें ज़्यादा कास्कटिंग हो जाता था। देखिए कैसे, मैंने देखी क्लास में भी एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, मान लीजिए कोई कार है, अब दुनिया की ऐसी कोई कार नहीं है जो कि सिर्फ एक फैक्ट्री से निकल के आ जाए। मान लीजिए कार है, उसके 10 स्पेयर पार्ट्स हैं, 10 स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये अलग अलग फैक्ट्री से निकल के आएंगे, अब जब ये फैक्ट्री के सारे ओनर जो है मेन जो फैक्ट्री में जाएंगे तो उसको सेल ऑफ करेंगे, मान लीजिए सेल ऑफ करा एट 12.5% टैक्स लिया उनसे, फिर ये कार भी सेल ऑफ होगी बाहर रखें, तो उस पर भी मान लीजिए वैट कितना हुआ, 12.5। ये स्पार्क पार्ट यहाँ बने, ये कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी इस पे, तो और यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा, वैट। तो देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ टैक्स यहाँ पे चेंज हो गया, तो अब यहाँ पर तो देखिए कास्केडिंग होगी होगी। इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखिए आप, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स था 1986 में गवर्नमेंट ने इसको नाम चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड वैट, मोड वैट में इसको चेंज कर दिया। इसलिए चेंज करा टू रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट ऑन एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ठीक है, एंड द नेम चेंज टू मोड वैट, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड वैट, ठीक है। अब हुआ ये कि 1994 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इससे जो है कास्केडिंग होने के चांसेस और ज़्यादा हो गए। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिए, देखिए पहले आप गुड्स पर आते हैं, देखिए मान लीजिए एक पहले छोटा गुड्स है, फिर उस गुड्स में वैल्यू एडिशन हुआ, फिर उस गुड्स में वैल्यू एडिशन हुआ, फिर उस गुड्स में वैल्यू एडिशन हुआ, तो इसमें तो देखिए अगर मान लीजिए अगर कोई कास्केडिंग होने के चांसेस बहुत कम होते थे ड्यू टू वैट। सेम दिस रूल एप्लीकेबल इन सर्विस, 1% इसको सर्विस दी,
किसने इसको सर्विस दी, किसने इसको सर्विस दी, तो वैट अगर जहाँ जाता था वहाँ पर कस्टडी रिमूव हो जाता था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन दिक्कत कब आती थी, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा, पर कोई कार है, कार को मॉडिफाई कराया ठीक है, या फिर इस रिपेयर कराया। मान लीजिए कार में कोई ख़राबी आ गई, उसमें कोई का पार्ट चेंज होना है, तो आपने रिपेयर के लिए दी, तो उसने क्या करा रिपेयर शॉप में, क्या हुआ कि उसने वो गाड़ी में उस पार्ट को नया पार्ट डाला, उसने आपसे सर्विस भी ली। तो जहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड हो जाते थे, तब कास्केडिंग हो जाती थी, क्योंकि उसने गुड्स गाड़ी में डाला तो वो क्या लगेगा, एक्साइज, और उसने सर्विस भी ली तो सर्विस टैक्स दोनों लग गया, तो यहाँ पर कास्केडिंग होती थी। इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, नास का इसका भी इम्प्रूव कर दिया, नाम चेंज कर दिया फ्रॉम मोड वेट टू सैन वेट। ठीक है, दैट मीन्स सैन वेट में क्या हुआ, जब सैन वेट में एक्साइज प्लस सर्विस दोनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो हटा दिया, सो दैट देयर विल बी नो कास्केडिंग इफेक्ट। तो देखिए बहुत ध्यान समझना, पहले क्या था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसका नाम चेंज करा टू टू मोड वेट टू रिमूव कास्केडिंग ऑन एक्साइज प्लस वेट। ठीक है, देन मोड वेट देन अगेन इम्प्रूव टू सैन वेट, वाई टू रिमूव कास्केडिंग ऑन सर्विस एंड गुड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने क्या करा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने को जितना कर सकता था, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया था। उसके बाद सेंट्रल ने स्टेट को कहा कि आप अपना एक्साइज और सेल्स टैक्स में भी कास्केडिंग हटाओ। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास दो ही टैक्स हैं, कौन कौन से, सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स। सेंट्रल ने अपने अपने जहाँ पर जहाँ 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 पर कास्केडिंग हो रही थी वो तो रिमूव कर दी, लेकिन स्टेट वाले नहीं हट रहे थे। तब स्टेट ने रिप्लाई किया कि देखिए आप एक्साइज टैक्स पे तो आप आंख भी उठा के मत देखिए, इस पे तो हम जितना कास्केडिंग हो सकता था हम तो और भी लगा देंगे, लेकिन इस पे आप हम कुछ नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इस पे इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अगर आप हमें रिटर्न में कुछ लिख के दो कि अगर इन फ्यूचर आगे कुछ लॉस हुआ तो वो आप बेयर करोगे। तो बाद में क्या करा कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स का नाम चेंज कर दिया टू वैट। ठीक है, और सर्विस टैक्स को भी और सेल्स टैक्स को भी नाम चेंज किस में चेंज कर दिया, वैट में चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट गेव रिटर्न प्रपोजल, इफ देर इज एनी लॉस इन द नेक्स्ट 2 ईयर देन द गवर्नमेंट विल कंपनसेट कंपनसेट। गवर्नमेंट ने ये रिटर्न में लिखे, तब जाके जो है स्टेट गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स का नाम जो है वैट में करा, किस लिए, टू रिमूव कास्केडिंग। बट याद रखिए एक्साइज सेल्स टैक्स पे, एक्साइज यानी कि जो एल्कोहलिक या फिर जो मेडिसिन है उस पर अभी भी कास्केडिंग हो रही थी, उसका नाम चेंज नहीं करा था कुछ, यहाँ पर किसका नाम चेंज करा है, सेल्स टैक्स का। तो देखिए हुआ ये रिजल्ट के, देखो क्या हुआ, जब वैट कंपनसेशन आया तो क्या हुआ, 2005-06 में यानी कि इसमें जब बजट आया था तब ओनली 8 स्टेट्स आर देयर हु आर गेटिंग लॉसेस ड्यू टू वैट, देन इन द नेक्स्ट ईयर रिड्यूस टू 5, एंड इन द नेक्स्ट ईयर देर वर नो टैक्स हु आर गेटिंग एनी लॉस फ्रॉम दिस वैट कंसेप्ट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की अच्छी कैलकुलेशन थी कि गवर्नमेंट ने ये पूरा अपने देखा हुआ था कि कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में इसको लॉस होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था कि कंपनसेशन क्या पर क्या था कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर वैट से कोई भी लॉस हुआ तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी। ठीक है, अब अभी भी कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जीएसटी से पहले जिसको सोल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एग्जामिनर के ये एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम बिफोर जीएसटी। देखिए ध्यान से, फर्स्ट वन कहता गुड्स एंड सर्विस, मतलब क्या है, देखिए बिफोर जीएसटी या फिर गुड्स के टैक्स रेट अलग थे और सर्विस के टैक्स अलग रेट जो अलग अलग थे। एंड काफ़ी टाइम पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस की डेफिनेशन जो वो क्लियर नहीं थी,
और सर्विस के जो है रेट ज़्यादा थे, मान लीजिए सर्विस के टैक्स रेट थे वो 12% थे और गुड्स के 10% थे, ठीक है। तो सर्विस की डेफिनेशन जब क्लियर नहीं थी तो जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो उसको क्या करते थे, वो गुड्स मान के चलते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस की डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं हुई थी। क्योंकि सर्विस में क्या लिखा हुआ था, दैट इट इज़ एन इंटेंजिबल सर्विसेज, इतना ज़्यादा कुछ खास मतलब क्लियर डेफिनेशन का तो कुछ लिस्ट गिवन थी कि दीज आर द सर्विसेज एंड एट दिस रेट द टैक्स विल बी लेवेड। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक ने इसका जो है बहुत जो फ़ायदा उठाया। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सलून की शेप है, सलून की शॉप है, तो सलून का नाम जो है इस लिस्ट में जो इंक्लूड नहीं था, तो उसने क्या करा, उसको गुड्स माना और 10% के हिसाब से जो टैक्स देता था। फिर गवर्नमेंट ने भी क्या करा, गवर्नमेंट ने देखा कि लोग काफ़ी स्मार्ट हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, सलून का नाम भी जो है उस लिस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन पब्लिक और ज़्यादा ओवर स्मार्ट क्या करा, सलून का नाम था बोर हटा के लिख दिया हेयर स्टाइलर। गवर्नमेंट फिर तंग आ गई, क्या कर दिया इसको, हेयर स्टाइलर। तो काफ़ी टाइम तो ये भी होगा। गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर इसको भी नाम हटा दिया, मतलब इसको सर्विस में ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक क्या करी, पब्लिक ने क्या करा, इसका भी नाम चेंज कर दिया, मतलब बोर्ड हटाते गए, हटाते गए ये भी, और ओवर स्मार्ट होते चले गए सारे सारे पब्लिक। तो गवर्नमेंट ने भी तंग होकर हार मान गई। गवर्नमेंट ने भी फिर एक जो है सोल्यूशन निकाला कि इसकी जो है डेफिनेशन ही चेंज कर दी सर्विस की। क्या लिखा देखिए सर्विस में, कि सर्विस इज एवरीथिंग विच इज नॉट गुड, इसको बोलते हैं हम, और एक नेगेटिव लिस्ट प्रोवाइड कर दी। नेगेटिव लिस्ट इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये छोड़कर बाकी सब सर्विसेज है। अब इसमें तो पब्लिक को कुछ, इसमें जो है पब्लिक को हार मानना पड़ा, इसको सर्विस मानना ही पड़ा, ठीक है। तो ये जो है बिफोर जीएसटी काफ़ी बड़ा बहुत मेजर प्रॉब्लम था कि डिफरेंशिएट कर पा रहे क्या गुड्स हैं क्या सर्विस हैं, और इनका टैक्स रेट भी अलग था, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत थी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्लस वैट, हमें भी पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट तो अड़ा हुआ था कि हम जो है अपने एल्कोहलिक या फिर मेडिसिन प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी प्लस उस पर कोई वैट हो रहा है, तो उस पर कास्केडिंग अभी भी हो रही थी। इस पे देखिए अभी भी कास्केडिंग अभी भी हो रही थी। कास्केडिंग इफेक्ट अभी भी हो रहा था, तो ये मेजर प्रॉब्लम थी। इसके बाद इंटर स्टेट डिफरेंट रेट थे, वो भी मेजर प्रॉब्लम थी। इससे क्या प्रॉब्लम होती थी, देखिए मान लीजिए इंटर स्टेट अगर डिफरेंट रेट अलग होता तो क्या होता, स्टेट में आपस में अलग अलग कॉम्पिटिशन होता था। जैसे मान लीजिए अब दिल्ली है, अब दिल्ली में और एनसीआर में देखिए ज़्यादा डिस्टेंस में इतना इतना फर्क नहीं है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी अगर कस्टमर को अगर मान लीजिए दिल्ली में कोई सामान महंगा पड़ रहा है, तो वो जाके गुड़गांव से ले लेता था, इनोडा से ले लेता था। मान लीजिए अगर मुझे आज कोई बाइक लेनी है, अगर मान लीजिए दिल्ली में उस बाइक पे जो टैक्स रेट है मान लीजिए अगर 24% है, और वही अगर नोएडा में मुझे वो उस पर जो है 22% टैक्स पे जो है मैं ले रहा हूँ, और इस रेट की वजह से मान लीजिए मुझे 2,000 रुपये का सेव हो रहे हैं, तो मैं नोएडा से ले लूँगा जाके, मैं क्यों दिल्ली से लूँगा। तो इससे क्या था, इंटर स्टेट डिफरेंट रेट की वजह से क्या था, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी कि डिमांड दिल्ली कम हो जाती फिर नोएडा की बढ़ जाती थी। तो ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेजर इशू था। नेक्स्ट वन इज एंट्री एंड ऑक्ट्रॉय टैक्स। जैसे आप देखते थे कि जो ट्रक्स वगैरह होते थे वो आप देखते थे बिफोर जीएसटी, तो वो काफ़ी लंबी लाइन लग रहे थे, घंटे घंटों कभी दिनों दिनों में खड़े रहते थे। तो गवर्नमेंट के लिए इनसे टैक्स कलेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी, बहुत टाइम हो जाता था। देखिए एंट्री टैक्स होता है, दैट मीन्स कोई ट्रक जो अगर मान लीजिए इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और आउटर टैक्स वैसे बेसिकली क्या होता है, जैसे इसको हम बेसिकली हिंदी में बोलते हैं चुंगी लेन, बेसिकली ऑटो बोलते हैं हम किसी माउंटेन एरिया में। जैसे कि जैसे देखिए अगर मान लीजिए अगर आप दिल्ली से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर जो टोल जो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, लेकिन अगर आप माउंटेन एरिया में तो वहाँ पर टोल नहीं हो सकता, वहाँ पर क्या होते हैं चुंगी होती है, पहाड़ी एरिया में क्या होते हैं वो बोरी लगा के बैठ जाते कि आओ भी एंड ऑक्ट्रे दो, ठीक है, उसको चुंगी। तो वही होता था, बात ये कि एंट्री टैक्स है वो।
तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में दिक्कत आती, टाइम कंज्यूम हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टैक्स रेट आर डिफरेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दी। ठीक है, सो ये जो मेजर जो है फाइव प्रॉब्लम थी बिफोर GST। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि GST क्या है, तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज GST, तो आप उसको सिर्फ डेफिनेशन में बताइए, आप उसको तरीके से समझाइए कि बैठो मैं आपको समझाता हूँ कि GST है क्या। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे बुक उसको बुक खोल के बैठ दो, उसको इस तरह समझाओ कि उसको सिर्फ 5 या 10 मिनट में उसको समझाता है कि कंसेप्ट क्या है GST का। तो उसको समझाने के लिए आपको उसके फीचर समझना पड़ेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ GST। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट वन इज इट इज अ कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रीहेंसिव इन द सेंस, देखिए आपको पता है कि GST इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। देखिए बिफोर GST सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करती थी? CST सेंट्रल सेल्स टैक्स, दैट मीन्स इंटरेस्ट इंटर स्टेट जो भी सेल्स होते उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी वाला आ गया। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, उसके बाद स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी। देखिए ये वाले जो कस्टम ड्यूटी वाले पार्ट हैं, ये आपको मैं कस्टम लॉ जब हम चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से वहाँ सुनाऊंगा। अभी बस अब ये समझ लीजिए कि ये सारे टैक्स कौन से हैं? कस्टम ड्यूटी के। ठीक है, तो ये सारे टैक्स कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करती थी? वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट टैक्स में देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन होती थी। देखिए एडवर्टाइजमेंट बेसिकली देखिए कौन कौन से होती थी, देखिए TV पे होती थी, ठीक है, या फिर रेडियो पे, न्यूज़पेपर में, या फिर ट्रकों में होती थी, बसों के पीछे, या फिर जैसे मेट्रो में होती है आजकल। देखिए तो ये जो देखिए अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर, रेडियो और TV में अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो इस पर जो टैक्स कलेक्ट होगा उसका हक किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का। बाकी जो भी स्टेट में जो भी एडवर्टाइजमेंट जैसे बैनर लग रहे हैं, ट्रक में लग रहे हैं, मेट्रो में लग रहे हैं, तो वो सारे कौन सा होगा? वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिसीव करेगी। ठीक है, तो देखिए आफ्टर GST क्या हुआ? ऑल दीज टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड इनटू GST, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। अच्छा, सो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इसलिए एक और बोलते हैं बिकॉज इट इज अप्लाइड इन होल कंट्री, पूरे देश में अप्लाई होता है, एक ही टैक्स रेट, एक ही टैक्स लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। नेक्स्ट फीचर इज मल्टी स्टेज टैक्स, दैट मीन्स GST अप्लाइड इन एवरी स्टेज। देखिए जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल सेल हुआ, पहले का लगता था वैट, उसके बाद प्रोडक्शन हुआ या इसमें से कुछ वैलिडेशन हुआ तो क्या लगता था? सेंड वैट। उसके बाद बेचा होलसेलर को, वैट। फिर रिटेलर को बेचा, तो वैट। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, फिर वैट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कास्केडिंग होगी क्योंकि यहाँ पर नेचर चेंज हो गया। अब GST आने के बाद क्या हुआ? ऑल दीज टैक्सेस आर सब्स्यूम इन टू GST, दैट मीन्स GST अप्लाइड इन ऑल स्टेजेस, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज टैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यू एडेड टैक्स, दैट मीन्स GST अप्लाइड या वर्क्स ऑन वैल्यू एडिशन टैक्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो किसी वैल्यू एडिशन पर लगेगा टैक्स। ठीक है, तो GST कहाँ से आया? देखिए पहले तो GST पहले क्या था? वैट था ना, तो GST क्या है बेसिकली? उसका एक एक्सटेंशन पार्ट है, तो GST एक्चुअली जो है वैट के प्रिंसिपल पर काम करता है। नेक्स्ट वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। देखिए GST को इतना टाइम लग गया इंडिया में इम्प्लीमेंट होने में, इसका मेन रीज़न ये था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहता है, मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए इंटर स्टेट सेल हो रही है, चलो मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए तमिलनाडु है और दिल्ली है, तमिलनाडु में रॉ मेटेरियल परचेज किया, उसको प्रोड्यूस किया, वैल्यूएशन किया, ठीक है, डिमांड कहाँ आई? दिल्ली में। यहाँ पर जब किसी रिटेलर को सेल कर दिया, फिर रिटेलर ने
एट द एंड कस्टमर को सेल ऑफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या आया है? देखिए, अभी हम लोग पर वैट में हमने दो प्रिंसिपल पढ़े। सबसे पहले हमने वैट में कौन से दो प्रिंसिपल पढ़े थे? फर्स्ट वन इज वैट रिमूव ऑल द कास्ट कटिंग इफेक्ट, एंड सेकेंड वन इज द सेलर विल गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो GST जब आया तो यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की लड़ाई होती थी, मतलब कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में क्या बोला कि जहाँ पर सेल पॉइंट एंड हुआ, फिनिश हुआ, उस स्टेट को जो ITC का बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स प्रोड्यूसर स्टेट कौन है यहाँ पर? तमिलनाडु। ठीक है, एंड कहते हैं कंज्यूमर स्टेट कौन सा है? दिल्ली। क्योंकि एट द एंड गुड्स कहाँ पर कंज्यूम हुए? दिल्ली में। तो यहाँ पर जो ITC का बेनिफिट किसको मिलेगा? दिल्ली को मिलेगा। यानी कि अगर इसने कोई भी टैक्स क्लियर किया हो तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को चला जाएगा। इसको भी मैं थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा अच्छी तरह से कि वेन एवर देयर इज इंटर स्टेट सेल ट्रांजेक्शन, द ITC बेनिफिट विल शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर स्टेट टू कंज्यूमर स्टेट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को बोला, इसकी वजह से जो है हमारे देश में जो है GST जो है काफ़ी लंबे टाइम तक अटका रहा। ठीक है, लेकिन एट द एंड लाना पड़ा, क्योंकि सर क्योंकि जो प्रोड्यूसर स्टेट थे हमारे देश में कम है, कंज्यूमर स्टेट ज़्यादा हैं, जब वोटिंग पावर ज़्यादा थी तो वो मानना पड़ा सबको भी। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ GST। देखिए, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से टैक्स आपके? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से हैं? CGST एक्ट, UTGST एक्ट, दैट मीन्स टैक्स कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में अगर कोई भी सेल हो रही है तो वहाँ पर जो बिल पे क्या लिखा होता था? UTGST। देन इंटर स्टेट हो रहा तो IGST। देन कंपेंसेशन एक्ट। ये कंपेंसेशन एक्ट कौन सा है? ये GST वाला है, वैट वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंपेंसेशन एक्ट क्या है कि देखिए, अभी हमने पढ़ा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये इनको भी क्यों मानना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटर्न में देना पड़ा दैट इफ देयर इज एनी स्टेट गवर्नमेंट सफर एनी लॉस ड्यू टू GST, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंपेंसेटेड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए, GST कब आया? July 2017। उस डेट से लेकर 5 साल तक, यानी कि July 2022 तक गवर्नमेंट जो है सारा GST का किसी स्टेट को लॉस हो रहा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो सारा बियर करेगी, कंपेंसेट करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे जो है टैक्स कलेक्ट कर देगी। CGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट एंड कंपेंसेशन एक्ट। कंपेंसेशन एक्ट मैंने वो बोला क्या करती, गवर्नमेंट क्या करती थी कि गुड्स या सर्विस को भी सेल होता था उस पर गवर्नमेंट क्या करती, कंपेंसेशन सेस लगा देती थी। और कंपेंसेशन से जो भी पैसा रिकवर होता था वो सारा जो है वो जिस स्टेट को लॉस होता है वो सारा पैसा उस स्टेट को दे देता था। तो अल्टीमेटली बर्डन किस पे आया? वो शिफ्ट कर दिया हम पे, यानी कि कंज्यूमर पे। अब स्टेट लेवल पे सिर्फ एक ही टैक्स है, दैट इज SGST एक्ट। ठीक है, अब देखिए देखिए CGST कौन कलेक्ट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। SGST स्टेट गवर्नमेंट। IGST डिवाइडेड द बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए देखिए CGST एक्ट कलेक्ट कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। एंड IGST भी जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता था बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये जो दोनों टैक्स हैं जो पर्पल में लिखा हुआ देखिए यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज दीज टैक्सेस कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट दीज आर डिविजिबल अंडर फाइनेंस कमीशन। इसका मतलब क्या होता था, ध्यान से समझिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स तो कलेक्ट करती थी CGST में और IGST में, बट ये टैक्स जो है आगे जाकर फाइनेंस कमीशन के अंडर जो है वो ये मीटिंग में जाता था, कमिटी डिसाइड करती थी कि ये टैक्स जो है डिवाइड होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन ये देखेगा किस स्टेट को कितना लॉस हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में ये रेट जो है वो डिवाइड कर देती थी। ठीक है, बट एक बात और है ध्यान से कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्स क्लेम करेगी, चाहे वो SGST के फॉर्म में या फिर SGST के फॉर्म में हो, दिस फुल अमाउंट गिवन टू ओनली टू द स्टेट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आँख उठा के नहीं दे सकती। ठीक है, सो विच मीन्स SGST एक्ट एंड जो IGST एक्ट में जो भी पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट का,
full amount only given to the state government. Okay. So this is the components of GST. Now let's understand the transaction intrastate and interstate में कैसे कैसे होता था. ध्यान से देखिए, पहले हम पढ़ते हैं इंटरस्टेट. तीन पर्सन है, ए बी एंड सी. ए कौन है? ए ने बी को सेल ऑफ करा. क्या सेल ऑफ करा उसने? रॉ मटेरियल सेल ऑफ करा. उसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 100 रुपीज़ है. और ए जो है सेल कर रहा है उसको, मान लीजिए टैक्स रेट है, मान लीजिए 20% है यहाँ पर, ठीक है. तो सी जी एस टी कितना हुआ? 10 रुपीज़. एस जी एस टी कितना हुआ? 10 रुपीज़. टोटल जो है बिल अमाउंट कितना हुआ? 120 रुपीज़, ठीक है. बट बी के लिए वो कॉस्ट क्या होगा? यहाँ पर जी एस टी किस पे वर्क करता है? ऑन वैट प्रिंसिपल. दैट मीन्स बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? वो ओनली 100 रुपीज़, ठीक है. बी ने जो 40 रुपीज़ अपना जो है वैल्यू एडिशन ऐड करा, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 140. तो 10% सी जी एस टी होगा, 10% एस जी एस टी होगा. टोटल वैल्यू कितनी होगी? 168. ओके, नाउ दिस अमाउंट इज टोटल कॉस्ट फॉर सी एज विल बी 140 ओनली, बिकॉज 100 रुपीज़ उसकी रॉ मेटेरियल कॉस्ट प्लस वैल्यूडेशन कितना हुआ? 40. तो उसके लिए कॉस्ट कितनी हुई? 140. अब सी ने जब कस्टमर को बेचा तो उसने 60 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया. तो 20% टैक्स रेट है टोटल. तो 20 रुपीज़ एज सी जी एस टी, 20 रुपीज़ एज एस जी एस टी. टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर दैट इज रुपीज़ 240, ठीक है. अगर ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है टैक्स कलेक्शन देखिए कितना कितना हुआ. टैक्स कलेक्शन पहले हम बात करते हैं किसकी? सी जी एस टी एक्ट की. सी जी एस टी में कितना कितना आया जरा ध्यान से सुनिए. हमने पढ़ा था देखिए कि वैल्यू एडिड टैक्स में जो है क्या था आपका एक और प्रिंसिपल एड होता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है. ध्यान से देखिए, देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है व्हेन एवर देयर इज सेम टैक्स प्रिंसिपल जो सेम हो, तभी कंपेंसेट होगा. अदरवाइज हो सकता है बट उसके प्रोविजन अलग अलग हैं. देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए, ए के ए ने जब बी को सेल करा तो उसने सी जी एस टी कितना कलेक्ट करा? बी से 10 रुपीज़. अब इसको तो कंपनसेशन मिल नहीं सकता, ITC मिल नहीं सकता, क्योंकि इसने पहले किससे खरीदा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. ये हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, लेकिन हमें ये पता है कि बी ने जब सी को सेल ऑफ किया था तो उसने 14 रुपीज़ एज सी जी एस टी उसने कलेक्ट किया था. अब जो गवर्नमेंट को जब भी पे करने जाएगा तो वो नेट अमाउंट पे करेगा कितना? 14 माइनस 10. तो सी जी एस टी गवर्नमेंट के पास कितना आया? 4 रुपीज़ एट दिस पॉइंट ऑफ सेल. जब सी ने कस्टमर को भेजा तो कितना रिसीव करा उसने? 20. जब गवर्नमेंट को पे करेगा तो कितना पे करेगा? नेट अमाउंट दैट इज ₹6. तो टोटल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव करा एस जी एस टी? ₹10. सेम फॉर एस जी एस टी. एस जी एस टी में देखो यही हुआ, 14 माइनस 10 दैट इज ₹4 प्लस 20 माइनस 14 कितना हुआ? नेट अमाउंट 6. टोटल कितना हुआ? 10. अब टोटल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स क्लियर करा? 20. अब हमें चेक करना है कि ये 20 रुपीज़ आया कैसे. एक्चुअली 10 रुपीज़ ये भी तो कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट ने, तो 10 रुपीज़ यहाँ पर ये भी आएगा प्लस 10 रुपीज़ ये भी आएगा, ठीक है. तो टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज रुपीज 40. 20 एज सी जी एस टी, 20 एज एस जी एस टी. तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी थी जब कस्टमर को बेचा जा रहा था, कितनी थी यहाँ पर? 200. और 200 का 20% कितना होता है? 40 रुपीज़. तो वही तो आया 40 रुपीज़, ठीक है. सो ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे जब इंट्रा स्टेट जब सेल ट्रांजेक्शन होती थी सो यहाँ पर जो ITC कैसे वर्क करता है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है. इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रिंसिपल मेन क्या है? यहाँ पर जो है सेम प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि
CGST first set off from the CGST itself. Same for HST. HST will first compensate from HST itself. ठीक है, आगे और भी प्रोविजन है, इसको हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, ना कम टू इंटर स्टेट सेल. अब यहाँ पर देखिएगा थोड़ा कंसेप्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, यहाँ पर 4 पर्सन है, यहाँ पर ए बी सी एंड डी. ए कौन है? रॉ मटेरियल सेलर, बी प्रोड्यूसर, सी रिटेलर एंड डी कस्टमर. ठीक है, यहाँ पर देखिए अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़. सीजीएसटी कितना है? 10. यहाँ पर भी टैक्स रेट कितना है देखिए? 20% है. ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 120. प्रोड्यूसर के लिए यानी कि बी के लिए कॉस्ट कितनी होगी? ओनली 100 रुपीज़. इसने ये वैल्यू एडिशन ऐड करा 50 रुपीज़. टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 150. ठीक है, अब देखिए ये जो डिमांड आई है, मान लीजिए ये दूसरे स्टेट से आई है, तब यहाँ पर जो है टैक्स रेट तो सेम ही होगा 20%, बट नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज़ IGST. सो 20% ऑफ 150, दैट इज़ ₹30. टोटल अमाउंट कितना हो गया? 180. तो रिटेलर कहाँ पर? दूसरे स्टेट में, उसके लिए कॉस्ट कितनी होगी? 150 एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्स. उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा 50 रुपीज़. टोटल वैल्यू 200, 20 एज CGST, 20 एज SGST, क्योंकि यहाँ पर सेल कहाँ कर रहा है वो, कस्टमर कहाँ पर है वो? विद इन द स्टेट ही है. तो कस्टमर कितना पे करेगा? टोटल अमाउंट 240. अब यहाँ पर देखना है कि इनपुट टैक्स का बेनिफिट जो कैसे हुआ, क्योंकि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया कि इनपुट टैक्स ITC बेनिफिट का मिलता है वेन एवर देयर इज सेम प्रिंसिपल. यहाँ प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, देखिए कैसे. देखिए इसको तो देखो टैक्स मिलेगा ही नहीं बेनिफिट, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का तो. ठीक है, बट जब बी था, बी ने देखा कि मैंने रिसीव करा 30 रुपीज़ एज IGST, बट उसने पे किया था 10 रुपीज़ एज CGST एंड 10 रुपीज़ एज SGST. अब उसको कंपेंसेट कैसे करें? सो गवर्नमेंट ने भी इसका जो एक पैटर्न बनाया, देखिए कैसे कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने बोला पहले आप देखिए कि आपने प्रीवियसली IGST पे करा या नहीं करा, तो पहले तो आप उसको सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट रिमेनिंग रह जाता है देन यू मे गो फॉर SGST. स्टिल देयर इज अमाउंट रिमेनिंग लेफ्ट फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन यू मे गो फॉर SGST. देखिए जरा बी के पॉइंट ऑफ सोचिए, उसने रिसीव करा IGST लेकिन उसने पे करा CGST एंड SGST. तो प्रीवियसली मैं यहाँ पर वो उसने देखिए अपने पोर्टल पर लिखा था 0 अमाउंट लेगा, क्योंकि उसने ए को IGST पे करा नहीं. हाँ लेकिन उसने SGST पे करा कितना? 10. SGST कितना पे करा? 10. तो वो उसको ITC ले लेगा रुपीज़, टोटल 20 रुपीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेट अमाउंट अभी भी बचा है 10 रुपीज़ एज IGST. ठीक है, IGST का उसको देखो GST उसको बेनिफिट मिल गया, ITC मिलेगा, बट वो इस पैटर्न में मिलेगा, फर्स्ट सेट ऑफ फ्रॉम IGST, स्टिल इफ देर इज एनी अमाउंट लेफ्ट देन गो फॉर SGST एंड देन गो फॉर SGST. ओके, अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर सी की, जो रिटेलर जो दूसरे स्टेट में. अब यहाँ पर जो है कंसेप्ट थोड़ा रिवर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर रिसीव करा उसने CGST एंड SGST, लेकिन उसने पे किया था क्या? IGST. तो यहाँ पर भी सेम यही प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जो भी अपने यहाँ पढ़ा, ये जो अभी मैं पढ़ा यही सेम एप्लीकेबल हुआ. गवर्नमेंट ने बोला पहले आप देखिए क्या आपने IGST पे किया था? जी हाँ. कितना किया था? 10 रुपीज़. क्या आपने CGST पे किया था? जी नहीं. लेकिन गवर्नमेंट के पास CGST का पैसा तो है. कौन सा? ये वाला CGST. कौन क्लियर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंपेंसेट करेगी 10 रुपीज़ का. SGST है लेकिन ये SGST किसके पास है? ये तो दूसरी गवर्नमेंट के पास है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. अब यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है. देखिए यहाँ पर ये भी मैंने पढ़ा था ना कि GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. यहाँ पर ITC का गेम जो थोड़ा चेंज हो जाता है. यहाँ पर क्या होगा? अब ये वाला जो SGST है 10 रुपीज़, दिस अमाउंट विल बी कंपेंसेट टू
तो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट के पास ये 10 रुपीज़ जो है वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कंपेंसेट नंबर कितना होगा ITC का, 30 रुपीज़। तो वो नेट अमाउंट 10 10 रुपीज़ ही पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी पॉइंट को समझने के लिए मैं कहता हूँ कि GST कैसे वर्क करता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं, और यहाँ पर क्यों प्रोड्यूसर स्टेट जो इसको मना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ये वाला दिस क्या होगा, जब ये जैसे ही गुड जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के पास जाएगा, तो ये वाला जो SGST अमाउंट है ये तभी ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए कि अल्टीमेटली गुड जो है यह सेल पॉइंट कहाँ पर एंड हुआ, उस स्टेट को, उस स्टेट को ये SGST मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इसको हम, ये भी फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकेंड वीडियो भी मैं अभी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन आपका यही है, आपको बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ से देखा, आपको देखिए पूरा अच्छे से पढ़ना है कि GST क्या होता है, कैसे कैसे इसका अमेंडमेंट्स आए, उसके बाद कैसे वैट प्रिंसिपल चेंजेस हुए, उसको देखना है कि जो मैंने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ से बताया कि एग्जामिनर का फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन क्या है। बेसिकली दो क्वेश्चन यहाँ पे से बनते बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट आर द प्रॉब्लम बिफोर GST एंड व्हाट इज़ GST। ये तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, ओके। सो थैंक यू, प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।